चलो इस टॉपिक पे बात करते हैं, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। तो जो पहला पॉइंट है कि बेसिक ऑपरेशन ऑन रियल नंबर क्या होता है, कि सबसे पहले बेसिक ऑपरेशंस पे समझते हैं कि बेसिक ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर्स बेसिकली टू पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। क्लियर है ये बात? तो पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर दो डिफरेंस रेशनल नंबर को ऐड करेंगे, सेपरेट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, अगर रेशनल है, सपोज रेशनल है, तो रेशनल प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड रेशनल ऑलवेज गिवन रेशनल। पहली पॉइंट ये हो गई है कि नहीं, हमेशा क्या देगा वो, रेशनल ही देगा। दूसरी पॉइंट पे आते हैं कि अगर सपोज दैट, कि दूसरा पॉइंट है कि रेशनल, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इरेशनल ऑलवेज गिवेन इरेशनल। क्लियर है बात? कोई डाउट नहीं होने चाहिए आई थिंक। तो अगर सम और डिफरेंट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को या तो ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे तो इरेशनल नंबर मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, जीरो लेकिन नहीं होना चाहिए। मेन पॉइंट क्या है कि जीरो नहीं होना चाहिए। अगर रेशनल नंबर में जीरो आता है ना, तो अगर रेशनल नंबर जीरो नहीं होगा, अगर रेशनल नंबर जीरो नहीं होगा, ठीक है, तो रेशनल नंबर अगर जीरो नहीं होगा तो किसी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमेशा इरेशनल मिलेगा। एक पॉइंट ये हो गया। लेकिन अगर दो इरेशनल नंबर को ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर करते हैं, ठीक है, कुछ भी, तो कोई जरूरी नहीं है, रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है, ये कंडीशन पे बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कौन कौन कंडीशन में रेशनल हो सकता है, कौन कौन कंडीशन में इरेशनल हो सकता है। तो इसी पॉइंट पे चर्चा करते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन आता है वो ये बता है कि आपको बताना है कि रेशनल है कि इरेशनल है। हम लिख रहे हैं, आप देख के बताइएगा क्या ये, जल्दी, इरेशनल। क्यों इरेशनल है जी? रेशनल माइनस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। रेशनल और इरेशनल अगर आ गया या तो ऐड हो या सबट्रैक्ट हो, इरेशनल ही होगा। सेकंड, क्विकली, 3 प्लस रूट ओवर 27 माइनस 12 रूट ओवर रूट 3, ये रेशनल है कि इरेशनल है? जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो इसको अगर हम ब्रेकआउट करते हैं 3√3 और इसको अगर माइनस करते हैं 2√3। क्लियर है एकदम? बिल्कुल। और ये जो आएगा ये भी √3 होगा। ओके, तो 3 + √3 और ये हो गया 3√3, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 3, और 3 क्या है, रेशनल है। ओके, चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5√10 / 3√10। फटाफट, ऑफकोर्स सही है, रेशनल। 5/3 क्या है, रेशनल है। गुड, नेक्स्ट वन 6/√5।
फटाफट इरेशनल, राइट। क्यों भाई? एक तो रेशनल है, दूसरा इरेशनल है। बोला गया है कि रेशनल और इरेशनल रहेगा, मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड होगा, तो हमेशा इरेशनल आएगा। सिर्फ एक कंडीशन में नहीं हो आएगा कि जब रेशनल जीरो हो, तो रेशनल यहाँ तो जीरो है नहीं, इसलिए इरेशनल। ओके, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं फटाफट। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड टू इरेशनल नंबर हुज नंबर हुज प्रोडक्ट इज इरेशनल नंबर। ऐसे दो इरेशनल नंबर का नाम बताए जिसका प्रोडक्ट करने पर रेशनल होगा, फटाफट। हाँ ऑफकोर्स, कोई भी ऐसा ले लीजिए इरेशनल नंबर जो ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में हो। जब इस फॉर्म में कोई भी रेशनल नंबर रहेगा तो उसका स्क्वायर करने पर रूट तो हट जाएगा, जब रूट हट जाएगा तो रेशनल आ जाएगा। तो कुछ भी ले लो ना भाई, रूट थ्री प्लस रूट टू इरेशनल है, रूट थ्री माइनस रूट टू इरेशनल है, तो थ्री माइनस टू वन रेशनल आ गया, रूट फाइव प्लस रूट टू, ठीक है, रूट फाइव माइनस रूट टू ये भी आ गया, फाइव माइनस टू क्या आएगा थ्री, रेशनल आ गया। तो इस तरह का कितना भी फॉर्म ले लेंगे ये सब आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको सिंप्लीफाई करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले ब्रेकेट से बाहर निकालते हैं और फटाफट सॉल्व करते हैं, देखिए, ठीक है, फटाफट इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ब्रेकेट से बाहर निकालें, और बाहर निकालने के बाद हम ये देख रहे हैं कि इसमें कॉमन क्या है। देखिए रूट सेवन, रूट सेवन, तो रूट सेवन अगर कॉमन लेंगे तो टू बाई थ्री वन बाई थ्री, और इसमें टू एंड टू, इसको कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ ले बचा थ्री बाई टू, यहाँ से बचा माइनस वन बाई टू, क्लियर है। और क्या बचा, ये देखिए इसमें है रूट ओवर इलेवन, तो रूट ओवर इलेवन बाहर ले लिए, तो इधर ले सिक्स, इधर ले माइनस वन, एकदम क्लियर है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, टू प्लस वन थ्री बाई थ्री, यानी रूट सेवन थ्री बाई थ्री, ये क्या आएगा थ्री माइनस वन टू बाई टू, और ये क्या आएगा रूट ओवर इलेवन सिक्स माइनस वन फाइव। तो टोटल हमारा जो रिजल्ट आया वो आया रूट सेवन प्लस रूट टू प्लस फाइव रूट इलेवन। सॉल्व इजी, आसानी से आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा मेहनत, काम क्लियर। देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है रेडिकल साइन, इस चीज को पहले समझते हैं कि क्या होता है। मान लेते हैं कोई एक रियल नंबर लेते हैं, कोई भी एक रियल नंबर ले लेते हैं a पावर वन बाई एन, क्लियर है, दिख रहा है आपको। तो अगर ध्यान देने वाली बात है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो n है उसको क्या बोलते हैं, n को बोलते हैं, n इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, ओके। और ये जो है ए को हम बोलेंगे रेडिकेंट, ए को क्या बोलेंगे रेडिकेंट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि जो ये साइन होता है इस तरह का, इस साइन को हम लोग बोलते हैं रेडिकल साइन, क्या बोलते हैं रेडिकल साइन, क्लियर है। लेकिन जो ये एक्सप्रेस है, जो भी इस तरह की जो है, तो ये टोटल को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सर्ड्स, ओके, क्लियर है। तो चलिए इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट को, तो तैयार हो जाइए। तो देखिए रूट ओवर ए वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अलग अलग इसको ब्रेक कर सकते हैं, पहली पॉइंट तो ये है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा देखते हैं, तो दूसरा में हम देख सकते हैं कि रूट ओवर ए बाई बी है एक ही में, तो अलग अलग लिख सकते हैं रूट ओवर ए बाई रूट ओवर बी। थर्ड देखिए, मान लीजिए रूट ओवर ए है प्लस रूट ओवर बी है इन टू रूट ओवर ए है माइनस रूट ओवर बी है, तो इसको हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी को तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी रूट ए का स्क्वायर a
रूट बी का स्क्वायर बी। क्लियर है? तो इस तरह से बहुत सारे फैक्ट्स समझते हैं। नेक्स्ट है ए प्लस रूट ओवर बी, देखते जाइए, और ए माइनस रूट ओवर बी। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, और ये तो रूट में है, इसका स्क्वायर करेंगे तो बी रह जाएगा, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी। अगर इसका अपोजिट होता, बाय द वे किस तरह से होता, इस तरह से होता कि रूट ओवर ए प्लस बी होता और रूट ओवर ए माइनस बी होता, तो ये क्या होगा, ए माइनस बी स्क्वायर हो जाता, हो जाता कि नहीं। तो ऐसे और भी चीजें हैं, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि रूट ओवर ए प्लस माइनस रूट ओवर बी इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर कैसे करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे करते हैं, तो इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे प्लस रहता है तो प्लस होता है, माइनस रहता है तो माइनस, तो दोनों कंडीशंस के लिए ले लेते हैं, प्लस माइनस टू, ए की जगह ये है और बी की जगह ये है, तो इसका स्क्वायर करेंगे ए और इसका स्क्वायर करेंगे बी और इसका मल्टीप्लाई करेंगे रूट ओवर टू ए बी। क्लियर है? तो इस तरह की कंडीशन हो सकती है। लास्ट वन अगर हम देखते हैं कि अगर रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर बी है और मल्टीप्लाई है रूट ओवर सी प्लस रूट ओवर डी से, क्लियर है, तो क्या कंडीशंस बनेगी। तो सबसे पहले इससे आप 8 क्लास में तो पढ़े होंगे मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर सी प्लस रूट ओवर बी इंटू रूट ओवर सी प्लस, अब इन दोनों का रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर डी प्लस रूट ओवर बी इंटू रूट ओवर डी, यहां पर लिख देते हैं। क्लियर है? तो अगर इस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए सी रूट ओवर बी सी रूट ओवर ए डी और रूट ओवर बी डी। ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। द प्रोडक्ट ऑफ 8 प्लस 3 रूट 2 इंटू 8 माइनस 3 रूट 2, तो वही बात हुई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी सी, और इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 9 टू या 18। ओके, तो क्या आया हमारे पास रिजल्ट, 46। क्लियर है? नेक्स्ट वन, इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, फटाफट कीजिए, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर और इसका 2ab 1080 रूट 3 ऐड कीजिए। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास है क्वेश्चंस कि रूट ओवर 3/5 प्लस रूट ओवर 5/2, क्लियर, इनटू रूट 5 प्लस रूट 2, तो आगे इससे सबको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इनसे ही सबको मल्टीप्लाई कीजिए, तो इनसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते थे, ठीक है। कैसे लिख सकते थे, रूट ओवर 3/√5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आप जरा देखिए एक लाइन, ठीक है, यहाँ से शुरू कर लेते हैं, रूट ओवर 3/√5 इंटू रूट ओवर 5 प्लस रूट ओवर 5/2 इंटू रूट ओवर 5, इनसे दोनों में मल्टीप्लाई हो गया। अब इससे चलते हैं, रूट ओवर 3/√5 इंटू रूट ओवर 2 रूट ओवर 5/2 इंटू रूट ओवर 2, क्लियर है, मल्टीप्लाई तो हो कर देंगे। ओके, तो यहां क्या बचा, रिजल्ट में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या बचता है, देखिए क्या बचता है हमारे पास, तो ये हो गया रूट ओवर 3 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 5 में रूट 5 से, तो 5/2,
और इधर देखेंगे रूट 6 बाई रूट 5 और यहाँ पे रूट 5। तो ये रिजल्ट आया हमारे पास जो भी मल्टीप्लाई करके आया। ठीक है, देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, इसमें करना क्या होता है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होता है। रेशनलाइज करने का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में चेंज करना होता है। ये समझ लीजिए कि अगर जो डिनोमिनेटर है इरेशनल है तो उसको रेशनल फॉर्म में चेंज करना है, यही रेशनलाइजेशन है। सपोज एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल ऐसा है कि 5 बाई रूट 3 माइनस रूट 5। तो ये तो डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल है। जब इरेशनल है तो इसको रेशनल में चेंज करते हैं। तो रेशनल में चेंज कैसे करेंगे, भले नोमिनेटर इरेशनल हो जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन रेशनल जो है वो सॉरी डिनोमिनेटर जो है रेशनल में होना चाहिए। नोमिनेटर इरेशनल में हो जाए कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे रूट ओवर 3 प्लस रूट ओवर 5 से। जब ऐसा हमने पहले पढ़ा कि जब सेम फॉर्म a माइनस बी या ए प्लस बी के फॉर्म में आता है मल्टीप्लाई होता है तो वो इरेशनल से रेशनल में चेंज हो जाता है, लेकिन सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अपने मन से, तो हमने नोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करने पे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस फॉर्म अलग है। किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पर उसका वैल्यू तो चेंज नहीं होता, तो सेम रह जाता है। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, ऊपर देखिए 5√3 प्लस 5√5, लेकिन नीचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 माइनस 5। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो ये आया कि 5√3 और 5√5 बाई -2। ठीक है, तो आ गया, ये रेशनलाइज हो गया। तो इसी तरह से बहुत सारा रेशनलाइज हम करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ आप देखते जाइए कि कैसा कैसा फॉर्म चेंज हो सकता है। अगर और इससे आगे लिखना है तो माइनस इसको कॉमन ले लीजिए, 5 को भी कॉमन ले सकते हैं अगर चाहे तो, नहीं तो रहने भी दे सकते हैं, और इस तरह से हम इसको लिख देंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रूट ओवर 3 माइनस रूट ओवर 5, रूट ओवर 5 प्लस रूट ओवर 3। ठीक है, और नीचे है 7 माइनस 2√5। तो इरेशनल को वापस रेशनल में चेंज करना है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को ही सिर्फ चेंज करना होता है, नोमिनेटर को नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बाय द वे इसको ब्रेकआउट करते हैं कैसे, देखिए। तो सबसे पहले देखो इसको अगर हम लिखेंगे तो फॉर्म चेंज भी कर सकते हैं। तो फॉर्म अगर चेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा √3 + √5। क्लियर है, इसको वापस उल्टा कर दिए, √5 + √3 या √3 + √5 कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब ये आ गया तो इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 - 5। ठीक है, 3 का स्क्वायर 3, 5 का स्क्वायर 5, 3 - 5 तो क्या हो गया, -2। क्लियर है, और नीचे क्या है, 7 - 2√5। अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो इसको हमें रेशनलाइज करना है, तो वापस वही फॉर्म अपनाएंगे, 7 - 2√5 है तो 7 + 2√5। ठीक है, तो ये क्या आया हमारे पास, अगर देखा जाए तो 3 - 5 2। ठीक है, लेकिन ये माइनस में है, निगेटिव में है, तो 2 को बस ले लीजिए ना, 2 7 = 14 और 2 2 = 4। अगर नीचे देखा जाए तो क्या आया, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 का स्क्वायर 4 * 5 = 20। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमारे पास आया। अगर एक और स्टेप लेते हैं आगे तो यहाँ से कुछ कॉमन हो सकता है क्या, 2, तो ये हो गया 7 + 2√5।
ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करते तो भी चल जाता 29। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बनाने में आ जाता है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं कि अगर बाय द वे हमारे पास क्वेश्चन है इफ रूट टू इक्वल टू, रूट टू का वैल्यू दिया है, रूट टू इक्वल टू 1.412, ठीक है, हमें वैल्यू फाइंड करना है रूट ओवर रूट टू माइनस वन रूट टू प्लस वन का, इसका वैल्यू फाइंड करना है और ये दिया हुआ है, ठीक है, रूट टू का वैल्यू दिया हुआ है, हमें इसका एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, वापस वही सबसे पहले रेशनलाइजेशंस हम करेंगे। तो रेशनलाइजेशंस कैसे करते हैं कि रूट ओवर टू माइनस वन रूट ओवर टू प्लस वन, अगर इसका रेशनलाइज करेंगे यानी रूट ओवर टू माइनस वन और रूट ओवर टू माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो रेशनलाइज हो पाएगा इसका। अगर इसकी बात करते हैं तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो ये दोनों क्या है, रूट ओवर टू माइनस वन का होल स्क्वायर, ओके, और अगर इसकी बात करेंगे तो रूट टू का स्क्वायर टू, वन का स्क्वायर वन। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो कैसा आया, रूट ओवर टू माइनस वन का होल स्क्वायर बाई वन, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर है रूट है तो दोनों को अलग अगर हम करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट तो सिर्फ यही रह गया, ठीक है, इसका रूट करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, वन का स्क्वायर रूट वन, क्लियर होना चाहिए आपको। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, रूट टू का वैल्यू क्या दिया है, 1.4142 अब माइनस वन है, ये रूट टू का वैल्यू है, ये माइनस वन है, तो 0.4142 ये क्या आ गया आपका रिजल्ट आ गया, सो सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए देखते हैं। 4√3 प्लस 5√2 बाय रूट ओवर 48 प्लस रूट ओवर 18, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने से पहले इसको अरेंजमेंट करते हैं, अरेंजमेंट कैसे करेंगे भाई, जो ये 40 रूट ओवर 48 है इसको अगर हम अरेंजमेंट करेंगे तो 4√3 लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 3√2 लिख सकते हैं, ओके। तो इसको अब रेशनलाइज करो, रेशनलाइज कैसे करेंगे, तो जो यहाँ प्लस में है तो उसका उल्टा लिखना है माइनस में, सेम चीज करनी है, लेकिन क्या लिखना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, तभी तो रेशनलाइज हो पाएगा, ठीक है। तो वापस हम आते हैं पॉइंट्स पे, तो इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कि 4√3 प्लस 5√2, ठीक है, 4√3 माइनस 3√2 बाई, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 48, ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो फिक्स है 18, क्योंकि इसका स्क्वायर करके आप सोच सकते हैं यही चीज है ना ये, ओके। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, ठीक है, और थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चल जाएगा। तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे इसमें इसमें तो क्या आएगा 48, क्योंकि ये क्या है रूट ओवर 48 है, रूट ओवर 48 है, 4√3 क्या है रूट ओवर 48 है, उनका स्क्वायर 48। इन दोनों को करते हैं तो 20√6, क्लियर है 20√6। अब इन दोनों को करते हैं 12 माइनस 12√6, नीचे लिख लो 48 माइनस ये क्या है 20√6, ठीक है, माइनस 12√6 माइनस, अब इन दोनों का कर देंगे तो 30/28। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, एक लाइन और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 18 और ये दोनों का प्लस 8√6, ठीक है, बाय 28, क्लियर है, सॉरी 30 आएगा ना ये, तो 9 प्लस 4√6, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए और इधर भी 2 कॉमन लिए तो क्या हो गया 15, ओके, क्लियर है। चलो तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 9 प्लस 4√6 बाई 15।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि इट्स इज इक्वल टू 1 + √2। एच का वैल्यू 1 + √2 है, तो एच माइनस 1/h का होल क्यूब का वैल्यू क्या होगा? अगर यहां से हम करने चले तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले हम 1/h का वैल्यू निकालेंगे और फिर माइनस कर देंगे एच से। 1/h का वैल्यू निकाल के एच से माइनस करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका क्यूब कर देंगे। तो एच का वैल्यू तो हमें पता है 1 + √2, लेकिन 1/h का वैल्यू क्या होगा भाई? 1 / 1 + √2। क्लियर है? तो इसको अगर हम रेशनलाइज करके देखते हैं तो क्या आता है। ओके, तो एक काम करते हैं, ऐसे तो निगेटिव टर्म्स में आएगा, 1 - 2 निगेटिव में आ रहा है ना, तो पॉजिटिव के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। कभी कभी ऐसे आता है तो आप अपने आसानी से उल्टा कर देते हैं। √2 - 1, इसको तो 1 + √2, तो √2 + 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? √2 - 1/2 - 1 क्या हो गया? 1। यानी 1/h का जो वैल्यू आया वो क्या आया? √2 - 1 आया। 1/h इक्वल टू √2 - 1। तो हमारा जो काम है वो आसान हो गया। एच माइनस 1/h इक्वल टू क्या आएगा? इसका वैल्यू है 1 + √2 और इसका वैल्यू है -√2। 1 क्या हो गया? 2 हो गया। इसका वैल्यू भी हो गया, क्या रिजल्ट है? 2। अगर एच माइनस 1/h का रिजल्ट 2 आया तो एच माइनस 1/h का होल क्यूब का रिजल्ट क्या आएगा? आ गया, कितना आया? 8 आया। क्लियर है एकदम? देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 3 + √7 / 3 - √7 इक्वल टू a + √7, तो a और b का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को कंपेरिजन करने के लिए हम रेशनलाइज करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ माइनस है तो 3 + √7 करेंगे, तो क्या आया हमारे पास? अगर देखा जाए तो आता है कि 3 + √7 2 - 9 - 7 = 2। आया यही? अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो इसको अगर हम ब्रेक करते हैं कि 9 + 7 a² + b² + 2 ab, ये आ गया। और इसको अगर हम ब्रेक करते हैं 15 + 6 √7, ठीक है, / 2, ये b है, ये 6 है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। ऐसे भी अगर हम तोड़ेंगे तो क्या आया? 6 / 2 √7, ये आया, आया कि नहीं आया? अगर इसको हम कंपेरिजन करेंगे a + b √7, अगर इसको कंपेरिजन करते हैं, 1 = 15/2 और b = 6/2 यानी 3, तो a का वैल्यू 15/2 और b का वैल्यू क्या आ गया? 3। क्लियर है? कोई डाउट होना चाहिए, ये 16 है। ओह, अब शेयर करो। तो 9 और 7 16, 16/2 + 6/2 √7, ये रिजल्ट है हमारे पास। तो इसको अगर हम वापस कंपेरिजन करेंगे तो 8 + 3 √7, तो a और b का वैल्यू अगर हम मेजर करना है तो कंपेरिजन करेंगे a b, ओके, तो a इक्वल टू क्या हो गया? 8, और b इक्वल टू क्या हो गया? 3। क्लियर है? हमारे पास क्वेश्चन है 1/3 - √8 - 1/√8 - √7 + 1/7 - √6 - 1/6 - √5 + 1/5 - 2 = 5। तो हमें ये शो करना है कि इतना का वैल्यू 5 होगा। ठीक है, तो चलिए शो करते हैं। देखने में थोड़ा लंबा है लेकिन कोई खास प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चंस में, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको अरेंजमेंट करेंगे और इस सब को रेशनलाइज करेंगे बारी बारी से, और रेशनलाइज करने के बाद ये सब सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसको रेशनलाइज करते हैं। ओके,
देखिए कॉमन सी बात है कि सब में जो माइनस है ठीक है, तो रेशनलाइज में वो क्या हो जाएगा, प्लस है हो जाएगा, और जो प्लस है तो वो क्या होगा, माइनस होगा। तो सबसे पहले सबको हम अरेंजमेंट करके रेशनलाइज करते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में बड़ा है, आप एक बार करने बैठे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं, ठीक है, बस स्टेप्स ज़्यादा हो सकते हैं कि क्वेश्चंस लंबा है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो बिना टेंस क्वेश्चन देखे घबराइए नहीं, बस आप करने बैठिए, ये आसान से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, तो इस सबको हमने रेशनलाइज किया, ठीक है, दो ही लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर इसको रेशनलाइज किए हैं तो 3 + √8 बाई 3 का स्क्वायर 9 और √8 का स्क्वायर 8, 9 - 8 1, यहाँ माइनस है, ये क्या है, √8 + √7। यहाँ पे अगर इसको रेशनलाइज किए हैं तो √8 का स्क्वायर 8 और √7 का स्क्वायर 7, यानी ये भी क्या हो गया, 1, 8 - 7 1। ठीक है, वापस आते हैं, √7 √6, ये भी 1 आ गया, √6, ठीक है, √6 √5, ठीक है, ये भी 1 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, √6 + √5, ये भी 1 आ गया, और ये √5 और 2 2 का स्क्वायर 4, ये भी 1 आ गया। तो इस तरह से सारे डिनोमिनेटर्स 1 आ गए। जब सारे डिनोमिनेटर्स 1 आ गए तो नोमिनेटर्स को सॉल्व करना है, तो 3 + √8 - √8 - √7 + √7 + √6, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये क्या है, निगेटिव्स हैं, ओके, -√6 - √5, ये तो पॉजिटिव में आए हैं ना, और साइन का ध्यान रखिएगा नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है, ये हो गया 2, क्लियर है। तो अब वापस आते हैं, ये गया ये गया ये गया ये गया, तो इधर बचा 3, इधर बचा 2, 3 + 2 = 5, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से देख लीजिए। तो एक बार कोशिश करेंगे, आसानी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए x का वैल्यू दिया हुआ है √3 + √2 / √3 - √2, y का भी वैल्यू दिया हुआ है √3 - √2 / √3 + √2, हमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है, एक सिंपल सा तरीका है कि दोनों को ऐड करेंगे और फिर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर रियल नंबर सिस्टम पर रहे तो रेशनलाइजर यूज करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो चलिए एच को पहले रेशनलाइज करते हैं, एच को अगर रेशनलाइज करेंगे तो √3 + √2 / √3 - √2, इसको रेशनलाइज अगर करते हैं तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, तो हमारे पास आया 3 और 2, यानी √3 + √2 / 1, क्लियर है। और y का अगर रेशनलाइज करते हैं तो सेम कंडीशंस आई, ठीक है, सेम कंडीशंस क्यों आएगी, क्योंकि यहां पे भी सेम है लेकिन यहां साइन डिफरेंट है, अगर साइन डिफरेंट है तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा √3 - √2 का होल स्क्वायर, ठीक है, एक तरफ √3 + √2 का होल स्क्वायर, एक तरफ √3 - √2 का होल स्क्वायर। अब दोनों को ऐड करना है, एक्स प्लस वाई, ये निकालना है ना, तो एक्स प्लस वाई पहले अगर करते हैं तो इसको देख लेंगे, इसका स्क्वायर अगर करते हैं तो 3 + 2 + √6, क्लियर, और इसका स्क्वायर करेंगे 3 + 2 - √6, यही तो डिफरेंस है, तो यानी कि 5 + √6, ये आ गया x और ये आ गया 5 - √6, तो इसका स्क्वायर करना है,
ठीक है, 5 5 क्या हो गया 10, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आसानी से निकल गया, कितना आया 100, क्लियर है। चलिए वीडियो के लास्ट में आपको एक डीपीपी मिलेगी, कुछ प्रॉब्लम्स होंगे उसको आप सॉल्व कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपको, ठीक है। आप कंटिन्यूसली लगातार वीडियो देखते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।